एडजस्टमेंट्स टू मार्केट इक्ब्रियम हमारी मार्किट्स आप कह लें कि हर टाइम इक्ब्रियम में नहीं होंगी कई दफ़ा आपकी मार्केट्स डिसक्लिब्रियम में भी ऑपरेट कर रही होती हैं जब हम कहते हैं मार्किट्स आर ऑपरेटिंग अंडर डिस इक्िब्रियम तो वहाँ पर बेसिकली सचुएशन ये होती है मार्केट डिमांड इज नॉट इक्ल टू मार्केट सप्लाई जब हम एग्रीकल्चरल सपोज अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चरल गुड्स मार्केट की एग्रीकल्चरल गुड्स मार्केट ज इन इक्लिब्रियम किस सिचुएशन में इफ मार्केट इज़ इक्वल मार्केट सप्लाई। बट इफ मार्केट इज नॉट इन इनियम देन क्या होगा मार्केट सप्लाई होगा तब हम कहते हैं मार्केट इज इन डिसम जब हम कहते हैं मार्केट इज इन डिसक्विब्रियम तो क्या सिचुएशन हो सकती है इट माइट बी पॉसिबल मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई अगर मार्केट डिमांड ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई होगी एट अ पर्टिकुलर प्राइस तो हम वहां पे कह सकते हैं देयर इज शॉर्टेज और फिर इसी पैटर्न पे इफ मार्केट डिमांड इज लेस देन मार्केट सप्लाई तो हम कह सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम देयर इज सरप्लस इन द मार्केट और मार्केट में आपके पास सरप्लस या शॉर्टेज ऑब्जर्व होंगे कब इफ मार्केट डिमांड इज नॉट इक्वल टू मार्केट सप्लाई अब इसी चीज को लेबोरेट करने के लिए अगेन हम यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी ले रहे हैं वो कौन सी एग्रीकल्चरल कमोडिटी है सपोज मैं कहता हूँ वी आर टेकिंग क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स ऑन हॉरिजेंटल एक्सेस एंड प्राइस ऑन वर्टिकल एक्सेस और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है डी ये मेरे पास डिनोट कर रहा है डिमांड फॉर वेजिटेबल्स और सब एस कर्व मुझे डिनोट कर रहा है सप्लाई फॉर वेजिटेबल्स और मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है

और यहां पे जो आपकी डिमांड फॉर वेजिटेबल्स हैं वो मेरे पास क्या है दैट इज डी है अब अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई का एक कंपैरिजन करूं अगेंस्ट प्राइस है तो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर सकता हूं कि यहां पे क्वांटिटी डिमांड मेरे पास लेस है एज कंपेयर टू सप्लाई या यू मैं यूं कह देता हूँ सप्लाई ऑफ वेजिटेबल इज ग्रेटर देन डिमांड फॉर वेजिटेबल अगेंस्ट प्राइस पी ए अगर सप्लाई ग्रेटर होगी डिमांड से तो तब हम क्या कहते हैं देयर इज अ वेन एवर देयर इज अ सरप्लस इन द मार्केट तो ये क्या करेगा इट विल क्रिएट अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या जी जो आपकी सप्लाई जो आपकी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन प्राइस सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज करेगी और बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेज तो जब प्राइसेस डिक्रीज होंगी डिमांड क्या होगी इट विल इंक्रीज और अल्टीमेटली क्या होगा कि आवर सिस्टम विल मूव अब अगर इसी चीज को लेबोरेट में करूं विद रेफरेंस टू शॉर्टेज तो शॉर्टेज कब होती है कि जी अगेन उसी पैटर्न पे हम एक ओरिजिनल डिमांड ओरिजिनल सप्लाई अगर मैं एज्यूम करूं प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स इन मार्केट इज इक्वल टू पीबी इस प्राइस के अगेंस्ट अब जू कह लें मेरे पास डिमांड फॉर वेजिटेबल क्या है इट इज इक्वल टू डी बी क्वान्टिटी ऑफ वेजिटेबल्स और इस प्राइस के अगेंस्ट मेरे पास सप्लाई ऑफ वेजिटेबल क्या है इट इज इक्वल टू एस बी हाँ जी अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई का कंपैरिजन करूं तो मुझे क्या इंडिकेट हो रहा है कि अगेंस्ट प्राइस बी क्वांटिटी डिमांड फॉर वेजिटेबल इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ वेजिटेबल ये मुझे क्या इंडिकेट करेगा वेन क्वान्टिटी मैंड फॉर वेजिटेबल इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ़ वेजिटेबल्स इट इंडिकेट देयर इज अ शॉर्टेज और जब यहां पे शॉर्टेज होगा तो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज इट विल क्रिएट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल जब प्राइसेस वेजिटेबल्स की इंक्रीज होना शुरू होंगी तो क्या होगा देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड एट द सेम टाइम देयर इज डिक्रीज इन क्वान्टिटी डिमांड फॉर वेजिटेबल्स और अल्टीमेटली क्या होगा आवर सिस्टम विल मूव टू टूवर्ड्स अ पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई अगर मैं अब इन दोनों बातों को समराइज कर दूं कि अगर हमारा मार्केट इक्िब्रियम में ना हो देन वहां पे दो तरह की सिचुएशन होती हैं। या तो वहां पर शॉर्टेज होगा या सरप्लस होगा देखिए ये शॉर्टेज या सरप्लस परमानेंट फीचर नहीं है अल्टीमेटली क्या होगा कि आवर सिस्टम विल मूव टू मार्केट इक्ब्रियम और मार्केट इक्लिब्रियम किस पॉइंट पे होता है दिस इज द पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई